छोटे साहब चाय लाई थी आपके लिए, अकेले टेबल पर रखी है। छोटे साहब चोरियां में क्या करें आप? वैसे भी आपकी मम्मी ने मुझे बहुत सारे काम दिए। तो क्या दिन भर तुम मम्मी का ही सिर्फ काम करोगे? थोड़ी देर मेरा भी काम कर लो। वैसे तुम्हें घर में सबका ध्यान रखने के लिए भेज जाते हैं ना। अच्छा क्या काम करना है? हिना फूलमती, काम के वक्त पता नहीं कहां चली जाती है। फूलमती फुटबॉल क्लास का टाइम हो रहा है। राजीव मम्मी तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? बस जा ही रहा था कॉलेज ट्यूशन फुटबॉल हर जगह लेट पहुंचते हो तुम। मम्मी बस वो 5 मिनट में जा ही रहा था मैं। फूलमती कहाँ है? फूलमती मुझे क्या पता, वो तो बस चाय देने आई थी और चाय लेके चली गई। जरूर अपने कमरे में बैठी होगी मोबाइल लेकर के। उसको एक काम के लिए ना 10 बार बोलना पड़ता है। अच्छा ठीक है तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। ठीक है जी। साहब आप ना मरवाओगे मुझे किसी दिन। फिक्र मत करो, अगर मम्मी ने तुम्हें काम से निकाल दिया ना तो मैं तुम्हें अपने यहां काम पे रख लूंगा, मेरी पर्सनल नौकरानी की तरह। Cheers. तुझे पता है फूलमती ये कितनी महंगी दारू है, इसको अगर बेचेंगे ना तो हमारे 4 महीने का खर्चा निकल जाएगा। तेरे अगर बड़े साहब को पता चला ना कि तू उनके जाने के बाद ये बोतल खोलती है तो तेरे को नौकरी से निकाल देगा। को कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, मैं तो ना बहुत जल्द इस घर की मेम साहब बनने वाली हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि जो छोटे साहब है ना वो मेरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द मुझसे शादी भी करने वाली हूँ और उसके बाद मैं इस घर की नौकरानी से रानी बन जाऊंगी। सुन अगर तेरी शादी राजीव से होती भी है ना तब भी इस घर की रानी तो वो तेरी सुमन मैडम ही रहेगी। अब तुझे मेन साहब बन के ऑर्डर देती है और तब तुझे सासू माँ बन के ऑर्डर देगी। अगर तेरी जगह मैं होती ना तो सीधे तेरे बड़े साहब को फंसाती। कौन जगदीश साहब? हाँ ये 90 ml का पैक बन सकता है तो 30 का क्या करना है? चल अच्छा अब तू जा, अब मेरे साहब का आने का टाइम हो रहा है, जा। लेकिन मैंने जो बोला ना उसके बारे में एक बार सोचना जरूर। हाँ ठीक है तू जा।
मुझे दिख नहीं रहे यहाँ साहब बैठे हैं। जा जाकर दूसरी तरफ साफ सफाई कर। सॉरी मैम। क्या सुमन, कर तो रही है काम, इतनी सी बात पर उसे डांट देती है। इतनी सी बात नहीं है, ये कोई काम ठीक से नहीं करती है। जा जाकर राजीव के कमरे की साफ सफाई कर। जी मैम। अच्छा लग रहा है, जैसे किसी गिफ्ट के ऊपर वो रिबन लगाते हैं ना। बिल्कुल वैसा। हाँ, तू मेरा तोहफा है। तो आप इस तोहफे को अपने साथ कॉलेज लेके चलोगे, अपनी गर्लफ्रेंड बना के? What? तू यानी मेरी राजीव मेरा की गर्लफ्रेंड? बड़ा जोक मैम। क्या हुआ साहब, आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ क्या? आपने ही बोला था ना कि आप पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना चाहते हो। आप मेरे साथ बिस्तर बांट सकते हो, जिंदगी नहीं। ए, तुझे पता है ना तू क्या बकवास कर रही है। हा? औकात देखी है तूने? नहीं ना, तुम इस घर की नौकरानी और मैं इस घर का मालिक। तुम मेरे साथ उठने बैठने का लायक भी नहीं है, समझी? सपने देख रही है जिंदगी साथ बिताने की। तुझे पता है ना कि अगर मैं कॉलेज की पार्टी में तुझे लेके जाऊंगा तो मेरे दोस्त मुझ पे हंसेंगे, तू तू करेंगे। जा अपना काम कर, ऐसे गेट आउट। फूलमती, तूने अभी तक साफ सफाई नहीं की यहाँ पे, इतनी देर से क्या कर रही थी? जा जाके हॉल में साफ सफाई कर अभी। हाँ, सॉरी मैम। वो मैं लेट हो रहा, मुझे कॉलेज के फंक्शन में जाना है। हाँ सुन, कल मैं और राजीव मेरे मायके जा रहे हैं, परसों सुबह तक आ जाएंगे, तो तू घर की साफ सफाई अच्छे से करना और तेरे साहब का टिफिन टाइम से तैयार कर देना, ठीक है? तू मेरे साथ उठने बैठने का लायक भी नहीं। अगर तेरी जगह मैं होती ना तो सीधे तेरे बड़े साहब को फंसाती। राजीव, जी मेरी ये बेइज्जती करना बहुत भारी पड़ेगा।